अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ट्रैकर एडिटिंग बाय एक्सपर्ट्स, अगर आप इंग्लिश में बेस्ट हैं या फिर आपने इंग्लिश में बीएससी या एमएससी कर रखी है तो ये वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है। इसमें सर्विसेज में सबसे पहले आ जाते हैं। यहाँ पर अबाउट अस इस वक्त ओपन है। बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद इंग्लिश ट्रैकर, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, ग्रेटेड ऑन टाइम मंथली पेमेंट, रिस्पॉन्सिव एडिटर सपोर्ट, डिज़ायर्ड एडिटर प्रोफाइल, नेटिव इंग्लिश स्पीकर, मिनिमम 2 ईयर प्रोफेशनल अकेडमिक एडिटिंग एक्सपीरियंस। क्या क्या इन्हें रिक्वायरमेंट हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं पीएचडी होल्डर और अकेडमिक एडिटर, आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट्स जो कि इसके अलावा जो इनको रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो रहती हैं, हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए 2010 और इसके बाद वाला, यानी कि लेटेस्ट होना चाहिए या फिर 2010 का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एबल टू एक्सेप्ट पेमेंट विया पेपाल इन यूएसडी करेंसी, पेपाल का अकाउंट होना चाहिए आपके पास जिसमें कि आपको डॉलर में इनकम एक्सेप्ट कर सकें आप, फैमिलियर विद कॉमनली यूज्ड स्टाइल गाइड्स EGAP शिकागो और शिकागो MLA APA ATC, बी रीजनेबली टेक सेवी एंड एट ईज विद ट्रांसमिटिंग रीनेमिंग एंड कन्वर्टिंग फाइल्स। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, वी आर करंटली प्रोसेसिंग आर लेटेस्ट बैच ऑफ एडिटर एंड हैव टेम्परेली क्लोज्ड एडिटिंग एडिटर एप्लीकेशन एट दिस टाइम, प्लीज़ कम बैक एट द लेटर डेट, थैंक्स। अभी ये बैजेस को सेट कर रहे हैं तो इसके बाद आपको बताएंगे कि किस चीज़ में आपने आना है, किस बैज में आना है। सर्विसेज में आते हैं, ये सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त, आर सर्विसेज, इनकी सर्विसेज आ जाती हैं। आर टू सर्विसेज अलाउ अस टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स, विच एवर वन यू चूज, इंग्लिश ट्रैकर विल इंश्योर दैट योर डॉक्यूमेंट इफेक्टिव रिटन इन वर्ड परफेक्ट इंग्लिश एंड प्रेजेंट्स यू एंड योर वर्क इन अ प्रोफेशनल लाइट। तो यहाँ पर दो आ जाती हैं इनकी, एक तो एडिटिंग आ जाती है और दूसरी री राइटिंग। एडिटिंग गारंटीज दैट योर डॉक्यूमेंट विल बी 100% फ्री ऑफ द मोस्ट कॉमन इंग्लिश मिस्टेक सच एज स्पेलिंग की, ग्रामर की, पंक्चुएशन की एंड वोकेबलरी की। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड अदर ऑनलाइन टूल्स आर सिंपली नॉट एडवांस्ड इनफ। नथिंग बीट्स आर प्रोफेशनल एडिटिंग टीम वैन इट कम्स टू एक्यूरेसी एंड क्वालिटी। ये सारी इसकी आ जाती है एडिटिंग में, यानी कि चेक करने ग्रामर, पंक्चुएशन और वोकेबलरी और स्पेलिंग वगैरह को। और री राइटिंग गोज फर्दर दैन एडिटिंग बाई ऑप्टिमाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखता है और उसे री राइट करता है अगर वो स्ट्रक्चर बेस्ट ना हो। इन्हेंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट, देर इज नो बेटर वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन विद आर री राइटिंग सर्विसेज। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो री राइटिंग सर्विस आप यहाँ पर चूज़ करें, और इससे बेस्ट आइडिया कोई नहीं है। और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सेट करता है, एडिटिंग और री राइटिंग, ग्रामर दोनों में सेट होती है, सिंटैक्स दोनों में सेट होता है, स्पेलिंग दोनों में सही करेक्ट किए जाते हैं, पंक्चुएशन भी की जाती है, वोकेबलरी एंड टर्मिनोलॉजी दोनों में की जाती है, स्टाइल कंसिस्टेंसी दोनों में की जाती है, एडिटर कमेंट्स ये भी दोनों में सेट किया जाता है। अब आती हैं चीज़ें जो री राइटिंग में की जाती हैं और एडिटिंग में नहीं की जाती। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेट किया जाता है, अडेप्टेशन तो वो री राइटिंग में किया जाता है, लॉजिकल कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की जाती है री राइटिंग में, रीवर्डिंग टू इम्प्रूव फ्लो एंड स्टाइल, एडिटर फीडबैक ये भी किया जाता है री राइटिंग में। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो री राइटिंग में की जाती हैं, वो आप यहाँ से लर्न मोर करके देख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, देते हैं इजाज़त, खुदा हाफिज़।